हेलो एवरीवन, कृष्णा कुमार टाइल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज कोई वो टाइल्स से रिलेटेड वीडियो नहीं है, कोई वो मार्बल ग्रेनाइट इससे रिलेटेड वीडियो नहीं है। आज हम बात करेंगे एक सामाजिक मुद्दा है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत हमारे देश में चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों देखिए, कोरोना वायरस का इतना अफवाह फैल गया है ना, इतना अफवाह फैल गया कि जिधर जाइए मार्केट रूम या घर में भी सब कुछ के जबान पे एक ही बात है, कोरोना वायरस। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी बहुत बड़ा बड़ा बीमारी हो गया है। हैजा, कलाजर, टीबी, ये सब पर भी हम लोग काबू पा लिए हैं। ये कोरोना वायरस कोई बड़ा बीमारी नहीं है, थोड़ा छोटा छोटा सावधानी बरतेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। देखिए, हमें सावधानी बरतना क्या है, सबसे पहले खाना खाने से पहले हाथ धोइए, और बिना फायदा का जिधर भीड़ भड़ाका होता है उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। और तीसरी बात किया, अगर जाते भी है कोई काम है तो वो मुंह पे मास्क लगा के जाइए। और आपको बता दूं, ये न्यूज वाले हैं ना, आप लोग यूट्यूब में देखते हैं या टीवी पर देखते हैं, आप लोग एक बात क्लियर किए होंगे, केवल दिन भर इसी का चर्चा चल रहा है। एक बात को लोग तोड़ मोड़ के उसी बात पर ही पहुँचेगा। कोई मर गया तो वो बताएगा इतना वर्ष का आदमी मर गया, फिर उसी को घुमा के हॉस्पिटल में था, वो आदमी मर गया। एक ही बात को ये लोग को तोड़ मोड़ का न्यूज में आता है, और इसमें बहुत फेक न्यूज भी चल रहा है। हम लोग को मालूम नहीं रहता है फेक न्यूज कौन है, कौन सा रियल न्यूज है। इसीलिए हम लोग इस पर पूरा धैर्य का ज़रूरत है, हम लोग को भारत का लोग को धैर्य से काम लेना होगा। कोई भी काम धैर्य से समाप्त हो जाता है, कोई भी समस्या समाप्त हो जाता है। और आपको बता दूँ कि इस वायरस का भी टीका का बात चल रहा है, टीका मिल गया है। और बता दूँ, ये वायरस से बचने के लिए एक ही उपाय है, अपना से सुरक्षा हाथ ध्यान पर अच्छा से रखिए। और एक बात और है, कितना सुन रहे हैं कि चिकन का दाम घट गया, चिकन का खाने से कोरोना होगा, ये सब कुछ बात नहीं है, सब अफवाह है, वो दूसरा कुछ नहीं है, अफवाह नहीं है, अफवाह है। आप लोग कोई भी न्यूज़ पर देखिए, ब्रांडेड जो न्यूज है, यानी कि आज तक चाहे एबीपी न्यूज चाहे अदरवाइज जो भी न्यूज है, उस पर कहीं भी नहीं बताया कि चिकन खाने से, या कोई भी डॉक्टर नहीं बताया चिकन खाने से कोरोना वायरस होता है। चिकन खाने से जो नॉर्मल बीमारी है वही है, बस जैसे अदर दिन हम लोग खाते हैं ना, वैसा ही है ये भी चिकन खाने से। लेकिन हमारे समाज में इतना अफवाह उठ गया है, ऐसा बात नहीं है, पढ़े लिखे लोग भी इसके चक्कर में पड़ रहे हैं। कोई कोचिंग बंद कर दे रहा है, कोई स्कूल नहीं जा रहा है, कोई अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहा है, इससे बताइए क्या होगा। इससे हम लोग का ही नुकसान है, दूसरा का नुकसान नहीं है। इसीलिए अब बहुत हो गया है, अब इस पर थोड़ा रोक लगना चाहिए। आप लोग अफवाह को प्रमोट नहीं कीजिए, हम यही चाहते हैं। और व्हाट्सअप में आता है इधर उधर से फेक न्यूज, उसको शेयर नहीं कीजिए ना, फॉरवर्ड कीजिए, पहले सोचिए विचारिए और धैर्य से काम लीजिए, ठीक है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए हम आपको भेंट कराते हैं कृष्णा कुमार जी से, क्या उनका राय है इसके बारे में, बताइए क्या बोलना चाहेंगे। हम तो यही बोलना चाहेंगे कि हाथ उत क्लीन कर रहिए, और ज़्यादा अफवाह मत पढ़िए, चिकन मटन सभी खाइए, और क्या अफवाहों में मत रहिए, यही बात है। और ये कैसे फैल रहा है, कैसे फैल रहा है, वो लोग चीन से आया और इधर फैला दिया है, क्या बोलेंगे हम। फैलाया नहीं है, जो चीन से आदमी आए उनके रिलेटेड, जैसे हम चीन से गए हैं, चीन हम नहीं गए हैं बट एग्जांपल मैं दे रहा है, चीन से मैं आए, कोरोना वायरस मुझे हुआ, मेरे फैमिली का संपर्क में रहा, मेरा फैमिली का हो गया, ऐसे करते करते बढ़ गया है। कोई ज़्यादा नहीं है, इंडिया का आबादी कितना बड़ी आबादी है, बहुत ज़्यादा आबादी है, 140 केस है अभी। और इंडिया वाला बहुत सुरक्षा करके रखा है, ऐसा बात नहीं, बहुत पहले से तैयारी में है। यहाँ इतना आदमी का होगा तो इतना मतलब वार्ड बना दिया है रहने का, मतलब जिनको नहीं है उनको भी रखता है वो लोग। आप लोग धैर्य से काम लीजिए, कोई दूसरा इसमें अफवाह को प्रमोट नहीं कीजिए। हम एक ही बात करेंगे कि आप लोग इसका न्यूज़ ज़्यादा देखिए नहीं, जो इम्पोर्टेंट बात है वही देखिए। अब दिन भर आप एक बात भी लाइएगा, यूट्यूब में जो आप देखिएगा उसी के रिलेटेड केवल वीडियो आएगा, आप लोग इस पर केयर नहीं करते। और इसमें बहुत सारे फेक न्यूज भी चलता है, फेक न्यूज जैसे मतलब कोई यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल देता है, फेक न्यूज हो गया, वो जाने का नहीं पहचाने का नहीं, बोलेगा चिकन खाने से ये होगा, मटन खाने से ये होगा, मास्क लगाओ, हमेशा रूम में भी मास्क लगाओ, घर में भी मास्क लगाओ। मास्क कहाँ लगाना है, मास्क हमें लगाना है मार्केट से, और बिना ज़रूरत के घर से तो बाहर नहीं निकलिए। हमारा एक ही सलाह है कि अगर काम नहीं हो, अगर बिना ज़रूरत का आप घर से बाहर निकलिए ही नहीं,
इस बीमारी से बचिए। नरेंद्र मोदी का वीडियो मैं देखा, उसमें उन्होंने एक ही बात बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, कोई वो आतंकवादी नहीं है, चाहे कोई बम वम नहीं है, चाहे एटम बम नहीं है, कुछ नहीं है, ये बीमारी है, इस पर भी काबू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आप लोग का अच्छा लगा हो। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं अगर अच्छा लगा हो तो शेयर मत कीजिए, हम अपना वीडियो को ही बोलते हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो ख़राब लगता है तो इसको भी शेयर नहीं कीजिए। ओके बाय, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बाय बाय।